भीलवाड़ा की तरफ से ये निर्देश थे कि संगठित माफियाओं के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और ऐसे अपराधों पर रोकथाम लगाई जाए। इसी सिलसिले में एक स्पेशल टीम गठित थी जो भीलवाड़ा में अवैध हथियारों में लिप्त थे। दिनांक 30 तारीख को दौराने गश्त एक संदिग्ध व्यक्ति को हमने कोटड़ी चौराहे पर देखा, उसकी तलाशी ली तो उसके पास एक देसी पिस्टल उसकी जेब में पाया गया, जिस पर उसके विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उसको गिरफ्तार किया गया। साइबर सेल और मुखबिर की इतला पर हमने इस अवैध हथियारों में लिप्त अन्य लोगों की जानकारी ली गिरफ्तार व्यक्ति से, और उन जो लिप्त व्यक्ति थे ऐसे व्यक्तियों को हमने दस्तयाब किया, उनसे पूछताछ की और उनकी भी अवैध हथियारों में लिप्तता पाए जाने पर उनको हमने नियमानुसार गिरफ्तार करके, और आज हमने 6 हथियार जिसमें 5 देसी पिस्टल और 1 देसी रिवॉल्वर और 10 कारतूस इन व्यक्तियों से हमने जब्त की है। कहाँ से लाए थे, कहाँ ले जाना? अभी इस संबंध में अनुसंधान जारी है। प्रारंभिक अपराधियों से पूछताछ के अंदर एक व्यक्ति है जिसके द्वारा मध्य प्रदेश से ये हथियार लाकर कर यहाँ स्थानीय स्तर पर लोगों को बेचा जाना जानकारी में आया है। कितने जने हैं सर इसमें? अभी अनुसंधान जारी है। 7 पिस्टल और 1 रिवॉल्वर यहाँ पर भीलवाड़ा में इसके द्वारा दिया जाना जानकारी में आया है। गिरफ्तार किया गया है सर, मुलजिम कितने हैं सर इसमें? अवैध हथियारों में लिप्त 10 मुलजिमों को हमने आज गिरफ्तार किया है सर। इसमें और भी है? अनुसंधान जारी है, और भी मुलजिम इसमें है जिनकी तलाश जारी है। बाहर से ये लाते थे या और भी सप्लाई थे दूसरी जगह भी की है? भीलवाड़ा शहर के लिए ही करते थे? नहीं, अभी तक भीलवाड़ा के लोगों की ही इसमें लिप्तता पाई गई है। इसमें मुख्य सरगना कौन है? मुख्य सरगना दौलत सुथार नाम का लड़का है जो एमपी से इन हथियारों को प्राप्त करके यहाँ पर ये स्थानीय स्तर पर लोगों को अवैध हथियार बेचता था। ठीक है सर, उनको बोलिए फोटो।